पिछले वीडियो में हमने आपको आयतन विलयन की डब्ल्यू बाई डब्ल्यू याद करने की विलयन की सांद्रता डब्ल्यू बाई डब्ल्यू याद करने की बारे में हमने आपको बताया था, तो उसका फार्मूला हम आपको बता दिए थे। तो आज हम आपको उस पर कुछ बेस्ड कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। हम तो देखते हैं, एक प्रश्न है, छप्पन प्रश्न है, क्वेश्चन फर्स्ट है, इसके लिए क्या होगा, एक क्वेश्चन है 3.5 ग्राम चीनी को 46.5 ग्राम जल में घोल कर एक विलयन बनाया गया। इस विलयन की सांद्रता ये प्रश्न है तो इसका सलूशन हमें पूछना है, करना है। पहले आप देखते हैं कि क्या क्या दिया है। दिया है विलेय पदार्थ का विभाग, द्रव्यमान दिया है। यहाँ पर विलेय पदार्थ क्या है, चीनी है, अर्थात चीनी का द्रव्यमान दिया है। चीनी का द्रव्यमान दिया है, कितना ग्राम दिया है, 3.5 का है। इस दूसरा क्या दिया है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान दिया गया है। बच्चों विलायक का द्रव्यमान दिया गया है, कितना ग्राम, विलायक कौन है, जल है। जल का द्रव्यमान कितना दिया है, कितना दिया है, 46.5 ग्राम दिया है। तो हम जानते हैं कि विलायक और विलयन मिलकर के क्या, विलायक और विलयन मिलकर के क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। तो अगर विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, 3.5 प्लस 46.5 दोनों ग्राम में है, जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 50 ग्राम। तो ये हो गया विलेय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान। इस तरह से विलेय विलायक विलयन का द्रव्यमान मालूम हो गया। बच्चों अब इसके बाद हम आपको प्रतिशत निकालने का जो फार्मूला है वो बताते हैं। ये इतना हो गया, और निशान से क्वेश्चन को इरेज करते हैं, क्या होगा, तो विलयन का द्रव्यमान, इसलिए विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। अब क्या है, सॉल्व करेंगे इसको, सभी का वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू में विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का चीनी का 3.5 है, विलेय का 50 है, प्रतिशत क्या हो जाएगा,
परसेंट आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, यही है इसका सोल्यूशन। फिर एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं इसी पर आधारित, इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है। फिर है कॉपर सल्फेट, क्वेश्चन टू है कॉपर सल्फेट, क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट का 250 ग्राम मिलियन मिलियन बनाने के लिए कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, की मात्रा में बनाने के लिए कितनी मात्रा में कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की आवश्यकता होगी, की आवश्यकता होगी यदि विलयन का, यदि विलयन का, यदि विलयन का द्रव्यमान गुणोत्तर, द्रव्यमान गुणोत्तर, यदि विलयन का द्रव्यमान गुणोत्तर 5% है तो बच्चों इसमें क्या क्या दिया है पहले इसको हम डाल लेते हैं। इसमें विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत दिया है और विलयन का भार दिया है। इसका भार दिया है बच्चों, विलयन का द्रव्यमान दिया है, हमें विलय का द्रव्यमान ज्ञात करना है, हमें किसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, विलय का द्रव्यमान ज्ञात करना है। आप जानते हैं हल क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आप जानते हैं विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान गुणे सौ। यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत जो है वो क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा दिया है तो 5% दिया है, तो 5 हो जाएगा विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अब विलय का द्रव्यमान दिया है 250 हो जाएगा। अब उसको बात करते हैं आप करते हैं क्या आगे आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 12.5। तो इस तरह से हम बच्चों ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला टॉपिक है इसमें, अगला टॉपिक है क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अगला टॉपिक है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तो अगला
प्रतिमान आयतन प्रतिशत। इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी किसी विलयन के तो क्या होगा किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में 100 मिलीलीटर में घुले 100 मिलीलीटर के घुले विलेय की ग्राम में मात्रा उसकी सांद्रता को बताया।